इसे आप क्या समझते हैं और मनोभौतिकी की मूल समस्याएं क्या है, क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है और पता है तब तो आराम से लिखा ही जाता है। तो चलिए और इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। मनोभौतिकी क्या होता है? सबसे पहले इसको परिभाषित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आजकल मनोभौतिकी को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान यानी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की एक शाखा के रूप में जाना जाता है। मनोदैहिकी को परिभाषित करते हुए यह कहा जा सकता है कि इस शाखा में उद्दीपक तथा उससे उत्पन्न होने वाले अनुभूतियों के परिणात्मक संबंध का अध्ययन किया जाता है। क्या उद्दीपक की तीव्रता में वृद्धि होने की अनुभूति में तीक्ष्णता आती है? यदि आती है तो क्या उसी अनुपात में या उससे अधिक या कम अनुपात में? इन प्रश्नों का अध्ययन मनोभौतिकी में किया जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर कहा जाए तो यदि किसी ध्वनि की तीव्रता 100 हर्ट्ज से बढ़ाकर 200 हर्ट्ज कर दिया जाए तो क्या इससे उत्पन्न सुनने की अनुभूति पहले से बढ़कर दुगुनी हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी? ऐसे प्रश्नों का अध्ययन मनोभौतिकी में करके एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। और मनोभौतिकी जो है ना वो अंग्रेजी साइकोफिजिक्स का है ना एक रूपांतर है और ये दो पदों से मिलकर बना है, साइको और फिजिक्स। साइको का अर्थ होता है अनुभूति तथा फिजिक्स का अर्थ होता है उद्दीपक, जिसमें व्यक्ति में अनुभूति उत्पन्न होते हैं। और मनोभौतिकी की जो मूल समस्याएं हैं ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत हो जाती है। तो मनोभौतिकी में उद्दीपकों के गुण तथा उससे उत्पन्न अनुभूतियों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इस तरह से अध्ययन में कुछ समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं और ऐसी समस्याएँ निम्नलिखित और थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। पहला है अल्पमत उद्दीपकों की पहचान से संबंधित संख्या या समस्या यानी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिटेंशन ऑफ मिनिमल स्टिमुली। प्रत्येक ज्ञान इंद्रिय यानी सेंस जो अर्गन जो होते हैं को उत्तेजित करने के लिए एक न्यूनतम या अल्पतम तीव्रता उत्तेजक की या उद्दीपक की जरूरत होती है। यदि उद्दीपक इस न्यूनतम तीव्रता का होता है तब तो व्यक्ति इसकी पहचान कर लेता है। उद्दीपक इस न्यूनतम स्तर को सीमांत उद्दीपक कहा जाता है। उद्दीपक की तीव्रता इस सीमांत उद्दीपक के नीचे या कम होती है तथा कुछ उद्दीपक की तीव्रता इस सीमांत उद्दीपक से ऊपर या ज़्यादा होती है। पहले प्रकार के उद्दीपक को अवचेतन उद्दीपक तथा दूसरे प्रकार के उद्दीपक को अधिसीम उद्दीपक कहा जाता है। अल्पमत उद्दीपकों की पहचान से संबंधित अध्ययन करते समय कुछ खास समस्याएं उत्पन्न होती है। जैसे किसी उद्दीपक की पहचान करने के लिए न्यूनतम स्तर कौन सा होगा, किस तरह के उद्दीपक का अध्ययन करना उपयुक्त होगा, उद्दीपक का न्यूनतम स्तर कितना हो तथा उससे ऊपर के स्तर के उद्दीपक को वह आसानी से पहचान सके, नीचे के स्तर के उद्दीपक को वह आसानी से पहचान न कर सके आदि आदि इन समस्याओं की जटिलता और बढ़ जाती है। दूसरा है अल्पमत यानी अल्पतम उद्दीपक अंतर पहचान से संबंधित संख्या समस्या। मनोदैहिकी की दूसरी समस्या दो उद्दीपकों के बीच उस न्यूनतम अंतर की पहचान से संबंधित है जिस पर व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ अनुक्रिया करता है। इस तरह के अंतर का अध्ययन करने में मनोवैज्ञानिकों के सामने बहुधा यही प्रश्न उठता है, एक ही संवेदी क्षेत्र जैसे दृष्टि क्षेत्र के दो उद्दीपकों जैसे दो भिन्न वाट के बल्ब की रोशनी के बीच वह न्यूनतम स्तर कौन सा है जिसकी व्यक्ति पहचान कर सकता है। वह न्यूनतम स्तर जिसे पहचाना जा सकता है को विभेदक सीमांत यानी डिफरेंशियल लुमेन DL कहा जाता है। विभेदक सीमांत को न्यूनतम ये भेद यानी नॉन जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस या JND कहा जाता है। DL ज्ञात करने की कुछ समस्याएं इस प्रकार होती है, एक ही संवेदी क्षेत्र के दो उद्दीपकों के बीच वह कौन सा न्यूनतम गुणात्मक या परिणात्मक अंतर है
जिससे व्यक्ति संबंध प्रत्यक्षण कर सकते हैं। क्या उद्दीपक की तीव्रता के प्रसार के अंतर से होने से विभेदक सीमांत में कमी या वृद्धि होती है? और मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों से स्पष्ट रूप से पाया है कि दो उद्दीपकों के न्यूनतम अंतर एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में भिन्न भिन्न होता है। इतना ही नहीं, कभी तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी अंतर होता पाया जाता है। जो तीसरी समस्या है, उद्दीपकों के बीच संबंधों के निर्णय से संबंधित समस्या, यानी प्रॉब्लम रिलेटेड टू जजमेंट ऑफ रिलेशन एमोंग स्टिमुली। एक ही संवेदी क्षेत्र के दो उद्दीपकों के न्यूनतम अंतर, जिससे व्यक्ति पहचान कर लेता है कि ऊपर उद्दीपकों के बीच संबंध से जुड़े हुए कई समस्याएं होते हैं। जैसे किसी परिस्थिति में व्यक्ति दो उद्दीपकों को एक दूसरे के बराबर होने का प्रत्यक्षण करता है, या इन दोनों में एक ही तीव्रता अधिक या कम होने का प्रत्यक्षण करता है। जब व्यक्ति इन दोनों उद्दीपकों के गुण या परिणाम के आधार पर तुल्य करने की कोशिश करता है, तो इसमें कितने त्रुटियां होती है और किस प्रकार की त्रुटियां होती है। इस प्रकार से मनोभौतिकी में कई तरह की समस्याएं हैं, और इन समस्याओं में सबसे पहला जो समस्या था है अल्पतम सिद्धांतों की पहचान से संबंधित समस्या, दूसरा है अल्पतम उद्दीपक अंतर की पहचान से संबंधित समस्या, और तीसरा है उद्दीपकों के बीच संबंधों के निर्णय से संबंधित समस्या। और अक्सर ये जो क्वेश्चन है लॉन्ग भी कुछ पूछ देता है और शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए इसे।